Dear students, welcome back. Today we are going to discuss Pygmalion, a wonderful drama written by G.B. Shaw or George Bernard Shaw. तो G.B. Shaw का ये जो drama है Pygmalion, उसे आज हम लोग discuss करेंगे. इसमें जो सबसे important question आपको तैयार करना चाहिए from the examination point of view, वह है Pygmalion as a problem play, ठीक है. और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम प्ले होता क्या है और Pygmalion एक प्रॉब्लम प्ले कैसे है, इसकी कहानी क्या है, इस प्ले में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसे एक प्रॉब्लम प्ले बनाती है, और इन सारी चीजों का एनालिसिस हम लोग देखेंगे. आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज अ प्रॉब्लम प्ले. अगर आप यह समझ जाएंगे तो और भी आसानी से चीजें आपके सामने क्लियर होंगी. तो सबसे पहले समझिए कि अ प्रॉब्लम प्ले इज अ प्ले इन विच द प्ले राइट और द ड्रामेटिस्ट इज चीफली कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. यहां पर एक खास समस्या को लेकर ड्रामेटिस्ट जो है वो इस ड्रामा को लिखता है, और इसे ड्रामा ऑफ आइडियाज का भी नाम दिया गया है. इसमें जो सिचुएशंस होते हैं उन सिचुएशंस में कैरेक्टर्स को दिखाते हुए उस समस्या को सामने लाया जाता है. दैट प्रॉब्लम इज ब्रॉट इन फ्रंट एंड पीपल आइडेंटिफाई एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम. यही समस्या है, इसे जज करने के लिए दर्शकों को दिया जाता है. इस प्रॉब्लम प्ले का नाम आखिर किसने दिया? तो एक मॉडर्न मैन है जिन्होंने इसका नाम दिया था, उनका नाम था सिडनी ग्रंडी, और उन्होंने इसे प्रॉब्लम प्ले कहा था. और प्रॉब्लम प्ले की शुरुआत जो है वो माना जाता है कि एक नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट थे जिनका नाम हेनरिक इब्सन है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की. एक्चुअली ही वॉज द पायनियर ऑफ दिस न्यू ड्रामा जिसे हम लोग प्रॉब्लम प्ले कहते हैं, ठीक है. ऐसे ड्रामाज तो डिफरेंट एजेस में लिखे गए, चाहे वो शेक्सपियर के ड्रामाज हो या फिर सोफोक्लिस के ड्रामा हो, और बहुत सारे ड्रामाज जो हैं डिफरेंट सेंचुरीज में लिखे गए जिसके फंडामेंटल और जो बेसिक थीम्स होते थे उसमें से आप देखेंगे कि उसमें हेट्रेड है, लव है, एम्बिशन है, डर है, फियर जिसको कहते हैं, जेलसी है, गॉड्स हैं, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं. लेकिन इब्सन ने क्या किया कि मॉडर्न मैन जो है, आज के युग में जो आधुनिक मनुष्य हैं, उनके सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जो उन समस्याओं जैसी नहीं है जो पहले के ड्रामेटिस्ट्स लिखते थे. बल्कि वो समस्याएं कैसी थी? दीज प्रॉब्लम्स वेयर डिफरेंट. और ये समस्याएं थी सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, डोमेस्टिक, रेशियल. तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो समस्याएं थी उनको प्रस्तुत करने के लिए प्रॉब्लम प्ले की शुरुआत उन्होंने की, ठीक है. तो ये जो वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ जो लाइफ हैं उनको ही सामने रखने की कोशिश उन्होंने की, और ये बहुत पॉपुलर भी हुआ. तो प्रॉब्लम प्ले के कुछ फीचर्स भी हैं जो हमें समझ लेना चाहिए. इन फीचर्स में सबसे पहले ये बात आता है कि जो प्रॉब्लम प्ले है उसे हम लोग ड्रामा ऑफ आइडियाज कहते हैं, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसे एक बहुत ही अच्छे फ्रेज में कहा, अ फैक्ट्री ऑफ थॉट. यानी यह एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर सोच पैदा होती है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स जो हैं वो दिमाग में आते हैं. इसमें जो चीजें होती हैं बहुत ही रियलिस्टिक होती हैं. इसका जो डायलॉग होता है प्रोज फॉर्म में होता है. इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कोई राजा महाराजा नहीं होते. दीज आर एक्चुअली ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन जो होते हैं, इसके कैरेक्टर्स होते हैं. और इसमें दूसरी चीजों का जो ध्यान रखा जाता वो है कि इसमें कोई हीरो नहीं होता है और कोई विलन नहीं होता है. ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है. होता क्या है,
इसमें जो लोग होते हैं वो किसी पावरफुल सिस्टम, सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, या वो परेशान होते हैं, या उन्हें बर्बाद किया जाता है, उन्हें स्पॉइल किया जाता है, और इस कारण से इसमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ऐसा नहीं होता है जो विलन होता है या कोई हीरो होता है। ठीक है, इसमें कन्फ्लिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। इट इज कॉल्ड वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस ड्रामा। इस ड्रामा का बहुत ही इसेंशियल जो एलिमेंट है वो कन्फ्लिक्ट कहलाता है। और ये जो कन्फ्लिक्ट होता है, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, ये जो कन्फ्लिक्ट होता है इसमें एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इसका जो कन्फ्लिक्ट होता है वो मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है, इसमें कोई फिजिकल कन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम प्लेज में जो है वो स्टेज पर कोई भी एक्शन दिखाया नहीं जाता है, ठीक है, बल्कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी आइडिया को लेकर या किसी बात को लेकर बहुत ही त्रस्त दिखाई पड़ते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो फंसे हुए हैं, और जिसे देखकर जो ऑडियंस है वो समझ जाती है कि वास्तव में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस समस्या की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार का जो ड्रामा है वो इंग्लैंड में कब फ्लरिश हुआ। इस प्रकार का ड्रामा जो है वो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में इंग्लैंड में ऐसे ड्रामा जो हैं वो लिखे गए और परफॉर्म किए गए। तीन लोगों का नाम इसमें आता है, हेनरी आर्थर जोन्स, जॉन गॉल्सवर्दी, और तीसरा जो हमारे बीच हैं वो हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ जिनका नाम है। ये तीन महान नाटककार हैं प्रॉब्लम प्ले के। सबसे पहले तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में जान लें कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक लॉन्गेस्ट कैरियर आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, और उन्होंने एक तरह से जो लिटरेरी सरफेस तैयार किया इंग्लैंड में, उनकी शुरुआत हुई एक ड्रामा से जो पब्लिश हुई विडोवर्स हाउसेस, जो 1892 में हुआ, और उनकी अंतिम कृति जो है, जो अंतिम वर्क है वो 1949 में देखने को मिलता है, वो है बॉयंट बिलियंस। ठीक है, तो शॉ ने क्या किया, ही ऑलवेज फोकस्ड अपॉन सोशल इश्यूज लाइक मैरिज, लव, एडुकेशन एट्सेट्रा, और उनके जो नाटक हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, साथ ही साथ उसमें कॉमेडी के भी जो थीम्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने जो नाटक लिखे हैं उसमें से आर्म्स एंड द मैन, जिसमें क्या दिखाया गया, लव एंड वॉर को दिखाया गया है, प्रोस्टिट्यूशन को दिखाया गया है जो कि मिसेज वॉरेंस प्रोफेशन के नाम से ड्रामा आया। अगला जो नाटक उनका है विडोवर्स हाउसेस, उसमें स्लम लैंडलॉर्डिज्म को दिखाया गया है, मैन एंड सुपरमैन में इवोल्यूशन को दिखाया गया है, फ्लैंडर जो है वो मैरिज के इश्यू को डील करता है। अगला नाटक है कैंडिडा, जो एक इटर्नल ट्रायंगल को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, और पिग्मेलियन जो लास्ट हम लोग जिसको पढ़ने वाले हैं वो फोनेटिक्स के प्रॉब्लम को दिखाता है, और कैसे एक लेडी जब वो फोनेटिकली बहुत ही साउंड हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आता है। इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने इन सारी चीज़ों को प्रॉब्लम की तरह प्रस्तुत किया है। दैट इज़ वाई इनके जितने भी ड्रामाज हैं वो प्रॉब्लम प्लेज की कैटेगरीज में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पिग्मेलियन की। पिग्मेलियन की अगर हम बात करते हैं तो पिग्मेलियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर प्लेज ऑफ जीबी शॉ, जिसे लिखा गया था 1913 में। इस प्ले में मेनली जो कैरेक्टर्स हैं वो तीन हैं जो दिखाई पड़ते हैं। इसमें नाम आता है मिस्टर हिगिन्स, जो कि एक प्रोफेसर हैं फोनेटिक्स के। दूसरी कैरेक्टर है जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका नाम है एलिजा डोलिटल, जो कि एक फ्लावर गर्ल है, वह फूल बेचती है। और तीसरा एक व्यक्ति है जो चैलेंज देता है मिस्टर हिगिन्स को, उसका नाम कर्नल पिकरिंग है। तो इसमें मिस्टर हिगिन्स जो कि प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स हैं,
और एलिजा डोलिटिल जो एक फ्लावर गर्ल है वो फूल बेचती है। मिस्टर हिगिंस को एक चैलेंज दिया जाता है कर्नल पिकरिंग के द्वारा, वो बहुत ही फेमस राइटर हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं एंड ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ अ बुक ऑन संस्कृत। और वो चैलेंज देते हैं मिस्टर हिगिंस को कि एक लड़की जिसका नाम एलिजा है और वह एक साधारण सी लड़की है और एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जिसको अच्छे तरीके से बोल चाल की भाषा नहीं आती है, किसी तरह की एक रस्टिक गर्ल है, उसे पढ़ा लिखा कर एक लेडी बनाना और उसे एक डचेज के एम्बेसडर पार्टी में, एक पार्टी होने वाली है डचेज की, उस एम्बेसडर पार्टी में 6 महीने के बाद ऐसे प्रेजेंट करना जिसमें कोई पहचान भी ना पाए कि एलिजा डूलिटिल जो है एक रस्टिक गर्ल है और वह इतनी पॉलिश्ड हो जाए कि लोग आश्चर्य करें कि दैट शी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी वाज अर्लियर, वो पहले क्या थी उससे बिल्कुल वह अलग हो जाए। इस प्ले में शॉ जो है वो डिफरेंस दिखाते हैं कि अगर एक रस्टिक गर्ल और डचेज में जो अंतर है उसको खत्म किया जा सकता है अगर उसे शिक्षा दी जाती है, इफ शी इज एडुकेटेड प्रॉपरली, और अगर उसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल जाती है, इफ शी इज इन द कंडीशन ऑफ गेटिंग सच सिक्योरिटी जहां वो पैसे कमा सकती है, तो इस डिफरेंस को कैसे खत्म किया जा सकता है। और एक गरीब लड़की जो कि एक सुंदर लेडी बन सकती है, इफ शी इज एश्योर्ड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। तो एक गरीब लड़की को भी अगर मौका मिले तो वह एक सुंदर लेडी बन सकती है, और अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी उसे मिल जाए तो अगर उसको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वह एक डचेज की तरह भी बन सकती है। और सब कुछ ऐसा ही होता है। मिस्टर हिगिंस जो कि फोनेटिक्स के प्रोफेसर हैं, एलिजा को ऐसा ट्रेन करते हैं कि वह साबित कर देती है कि एक लड़की जो रस्टिक थी वह एक कैसे डचेज के पार्टी में एक सुपीरियर फॉर्म में सामने आ जाती है। और इस चीज को देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी हिगिंस भी और कर्नल पिकरिंग भी, और दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने कैसे जो एक्सपेरिमेंट किया और उनकी जो कोशिश थी वो कैसे सफल हो गई। लेकिन ये एलिजा डूलिटिल को एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बना देते हैं, एक प्रयोग की वस्तु बना देते हैं, और एलिजा जो कि एक बहुत ही इमोशनल लड़की है और वह फील करती है कि अब उनके लिए वह कोई भी उपयोग की व्यक्ति वो रही नहीं, वह अपने आप को अकेला महसूस करती है, अपने आप को अपरूटेड महसूस करती है, उसे अपनी पहचान का भी डर हो जाता है कि अब वो कौन है। पहले कम से कम वो गरीब थी, रस्टिक थी, तो वो फूल बेचकर भी गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब एक्चुअली शी इज फेसिंग आइडेंटिटी क्राइसिस, उसे इस बात का भी अब डर हो गया कि उसकी पहचान है क्या। ठीक है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। पहले वह फूल बेचकर काम चला लेती है, लेकिन जो 6 महीने की ट्रेनिंग इनकी होती है, इनके कारण ये जो लड़की है वो पूरी तरह बदल जाती है। अब वह ऐसी समस्या का शिकार हो जाती है जो वह समझ नहीं पाती है कि वो आगे जाकर करेगी क्या। ठीक है, ना वह पुराने पोजीशन में लौट सकती है, प्रोफेशन में लौट सकती है, और ना ही वह मिस्टर हिगिंस के घर पर रह सकती है, और वह मिडिल क्लास की भी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर सकती है। और इतने गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में आकर वह अपने चप्पल फेंकती है मिस्टर हिगिंस के ऊपर और रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बताया जाए कि अब मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है, है ना, वॉट बिलोंग्स टू हर एंड वॉट डज नॉट बिलोंग टू हर, एक्चुअली वॉट एम आई फिट फॉर, वॉट हैव यू लेफ्ट मी फिट फॉर, वेयर एम आई टू गो, वॉट एम आई टू डू, वॉट टू बिकम ऑफ मी, मतलब ये बिल्कुल कन्फ्यूज हो गई है कि अब वह करे तो क्या करे, वह किस चीज के लिए वो उपयोगी है।
वह क्या कर सकती है, अब उसके लिए क्या बचा है, वह कहाँ जाएगी, वह क्या करेगी, ठीक है, अब मेरा क्या होगा, ये सारे प्रश्न उसके सामने आ जाते हैं। इसके बाद उसके मेंटल कंडीशन को आप देखेंगे तो एलिजा डिसाइड करती है कि अब वह हिगिंस का घर छोड़ देगी, जो उनके साथ रहती थी वो छोड़ देगी, और वो दोनों को छोड़कर, हिगिंस और पिकरिंग को छोड़कर वहां से चली जाती है, उनके घर से चली जाती है। और हिगिंस को भी बाद में बहुत डिफिकल्टी महसूस होती है, क्योंकि पहले सारे अपॉइंटमेंट्स, उन्हें क्या करना है, किससे मिलना है, ये सारा काम पहले एलिजा कर देती थी। अब वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो कैसे अपने काम को संभालेंगे, वो भी बहुत हेल्पलेस फील करने लगते हैं, ठीक है। बाद में एलिजा जो है वो डिटरमाइन करती है कि फ्रेडी नाम के एक रोमांटिक यंग मैन से वो शादी करेगी, और हिगिंस जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा मत करो, हिगिंस उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन एलिजा जो है वो विरोध करती है और कहती है कि अगर वह गरीब है, कमज़ोर है, तो कोई बात नहीं, वह मुझे पसंद तो करता है, चाहता तो है, मे बी ही वुड मेक मी हैप्पियर देन माई बेटर्स दैट बुली मी एंड डोंट वॉन्ट मी, कम से कम वह मुझे खुश तो रखेगा, और जो मुझसे बेहतर हैं और जो मुझे बुली करते हैं, मुझे तंग करते हैं, और जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, उससे तो कम से कम मुझे बचाएगा, मैं इससे ही शादी करूंगी। और वह फ्रेडी से शादी कर लेती है। तो इस तरीके से एलिजा जो है वो वापस एक ऐसे संसार में चली जाती है जहां पर उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाती। इस प्रकार शॉ ने क्या किया है, पिग्मेलियन को एक प्रॉब्लम प्ले की तरह हमारे सामने रखा है, जहां एक लोअर क्लास गर्ल एलिजा डूलिटिल जो है वह अपने आप को अपरेज करती है, और प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वह एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जहां सिर्फ उसे अब समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है, और पहले की जिंदगी और वर्तमान जिंदगी दोनों के बीच में वह खो जाती है। उसे यह नहीं समझ में आता कि अब वह कहां है, उसका स्टैंड क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से यह एक समस्या है जो कि एक डिफरेंस दिखाया गया है क्लास ऑफ द सोसाइटी, इस समाज के, इस वर्ग के और गैप के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं उसके जीवन में, कि एक पढ़ी लिखी लड़की गरीब होकर अब ना वह एक अच्छे समाज में जा सकती है, ना वह वापस पुराने प्रोफेशन में लौट सकती है, तो उसकी जिंदगी में ये समस्याओं का एक अंबार सा आ जाता है। तो इस तरीके से यह एक प्रॉब्लम प्ले है, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने हमारे सामने एक प्रॉब्लम को दिखाया है कि कैसे एक लड़की जो इस स्थिति से गुजरी है वो कैसे इन सारी चीजों को फेस करती है। उन्होंने एलिजा डूलिटिल के ट्रेनिंग के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ एलिजा डूलिटिल, वो ये दिखाना चाहते हैं कि एडुकेशन की मदद से जो दो क्लास के बीच में गैप होता है उसे एडुकेशन के मदद से भरा जा सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहां दिखाई पड़ती हैं। अब अगर हम इस प्ले का एनालिसिस देखें तो पिग्मेलियन क्या है, यह एक सैटिरिकल एक्सप्लोरेशन है जो सोशल क्लास है, जहां पर पावर डायनेमिक्स जो हैं, जो सामर्थ्य है, सत्ता है, वो कैसे भाषा और मैनर्स के बीच में फंसी हुई है। यहां पर जो कैरेक्टर यूज किए गए हैं, प्रोफेसर हिगिंस, एलिजा डूलिटिल, एक प्रकार से एक क्रिटिक को दिखाते, एक आलोचना करते हैं रिजिड क्लास स्ट्रक्चर को, एक ऐसा दृढ़ और एक पुराना दकियानुसी जो स्ट्रक्चर है समाज का, वो एडवर्डियन इंग्लैंड का, उसे दिखाने की यहां भरपूर कोशिश की गई है। ये जो प्ले है, द प्ले चैलेंजेस द नोशन दैट वंस सोशल स्टैंडिंग इज डिटरमाइंड सोली बाय बर्थ, एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड एडुकेशन इन शेपिंग वंस आइडेंटिटी, कि समाज में यह जो सोच है कि किसका जन्म कैसे परिवार में हुआ है, ठीक है, वह कैसी भाषा का उपयोग करता है, ये सारी चीजें इस पे एम्फेसाइज करके दिखाई गई हैं। लेकिन एडुकेशन का क्या रोल होता है, कैसे किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी में परिवर्तन ला सकता है, ये दिखाया गया है। यहाँ कैरेक्टर जो एलिजा का है वो एक प्रोफाउंड चेंज देखने को मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा,
ठीक है, जहां पर हाईलाइट किया गया है कि जो मेल लोगों की एबिलिटी है और सोशल आइडेंटिटी है, शॉट डज नॉट प्रेजेंट हिज ट्रांसफॉर्मेशन एज अ प्योरली पॉजिटिव आउटकम. एलिजा'स न्यू फाउंड रिफाइनमेंट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ हर इंडिपेंडेंस एज शी बिकम्स अ पॉन इन द सोशल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हिगिंस. यहां जो एलिजा का कैरेक्टर है एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरता है जहां पर उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसका एक पॉजिटिव आउटकम दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि उसके अंदर जो परिवर्तन आया उसके कारण उसकी आजादी छिन गई. अब वह समाज के लोगों के हाथों एक पॉन बन गई है. कैसे? वह समाज के हाथों एक प्यादा बन गई है जिसे लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं. ठीक है, ये जो प्ले है वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी प्रश्न है. ठीक है, कैसे ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में लेडीज को उस तरह का स्थान नहीं मिलता है. तो इस तरीके से पिग्मेलियन जो है वो बहुत ही रेलेवेंट है और एक ऐसा एक्सप्लोरेशन है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन का, जहां इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज को दिखाया गया है, सोशल मोबिलिटी को दिखाया गया है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडेंटिटी, लोगों की एक पहचान की जटिलता को दिखाया है. और यहां शॉ के जो विट एंड सोशल कमेंट्री है इस प्ले को एक टाइमलेस पीस बना देते हैं और यह एक ऐसा ड्रामा बन जाता है जो बन जाता है प्ले फॉर फॉरएवर. ये टाइमलेस हो जाता है, ये हमेशा के लिए बन जाता है ऐसा ड्रामा जिसे जब भी लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत ही रिलेवेंट दिखाई पड़ेगा. तो इस तरीके से आप पिग्मेलियन को एज अ प्रॉब्लम प्ले समझ सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ दिस विल वर्क फॉर योर एग्जाम. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, बाय बाय.